तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बाबलू और मेहर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, क्या आप अपने यूट्यूब चैनल को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करते हो तो क्या आपका यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज किया जाएगा या आपकी चैनल को डिसेबल किया जाएगा। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। और आप जानना चाहते हो कि अपनी गूगल एड्स के थ्रू अपने चैनल को प्रमोट करते हैं तो क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है, क्या आपको लॉस होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको बारीकी से पूरी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर रोजाना देखने के लिए मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, हम पहले जान लेते हैं कि अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए हमको क्या कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कि YouTube की तरफ से आपको दिया गया है कि आप 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आप एक साल के अंदर कंप्लीट कर देते हो तो आपकी चैनल को मोनेटाइज किया जाएगा। बट आप लोग न्यू यूट्यूबर हो, आप न्यू यूट्यूब पर वीडियोज़ को अपलोड करते हो तो आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहा है और एक साल के अंदर आपका 4000 घंटा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आप सोच रहे हो कि पेड प्रमोशन कर देता हूँ, जैसे कि गूगल एड्स पर अपनी वीडियो को प्रमोट करता हूँ और वहाँ पर जितने सारे व्यूज़ आएगा और उसी से मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर दूँगा। दोस्तों, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल को गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करके अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाओगे। बट दोस्तों, एक तरीका है जो आप पैसे देकर भी अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों, आप कैसे अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो, क्योंकि मैंने बता दिया कि आप पेड प्रमोशन करके YouTube चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते हो, बट मैंने फिर से बताया कि आप पेड प्रमोशन करके ही अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। दोस्तों, क्या होगा कि आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो आप चाहते हो कुछ पेड प्रमोशन करते हैं, गूगल एड्स के थ्रू अपनी वीडियो को प्रमोट करते हैं तो वहाँ पर गूगल आपकी वीडियो को बहुत सारे लोगों को इंप्रेशन दिखाता है, तो वहाँ पर जो क्लिक आएगा, जो वीडियोज़ पर जो वॉच टाइम आएगा, उसी वॉच टाइम से अपने चैनल का जो मोनेटाइज है उनको हम अर्न करते हैं। आप ऐसा सोच रहे हो, बट ऐसा नहीं है। दोस्तों, आप जितने पैसे दिए हैं गूगल एड्स के ऊपर, जितने पैसे आपने खर्च किए हैं कि वहाँ पर जितने व्यूज़ आएगा एड्स के थ्रू, जितने व्यूज़ आएगा उसी व्यूज़ को या उसी वॉच टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा। बट एक चीज़ आपको वहाँ पर काउंट किया जाएगा कि वहाँ पर जितने सारे सब्सक्राइबर आएंगे तो उसी चीज़ को काउंट किया जाएगा। बट आपने जितने पैसे लगाया है उसी वीडियो के अंदर, जो आपने पेड प्रमोशन किया है उसी वीडियो के अंदर, जितने सारा वॉच टाइम आएगा, जितने व्यूज़ आएगा उसी वॉच टाइम और व्यूज़ को काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, वहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा तो आपका जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है जो एक साल में कंप्लीट करना है तो वहाँ पर काउंट नहीं होगा, तो आपके चैनल रिव्यू पर जाएगा कैसे? ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप पेड प्रमोशन करके आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते हो, बट आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। वो भी कैसे है मैं अभी फिलहाल आपको बताता हूँ। जैसे कि आप पेड प्रमोशन करते हो अपने वीडियो पर, अपने चैनल को पेड प्रमोशन करते हो कुछ पैसे देकर, तो वहाँ पर गूगल एड्स के थ्रू क्या होता है कि आपके जो वीडियोस है वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इंप्रेशन दिखाता है, YouTube इंप्रेशन दिखाता है, गूगल की तरफ से वहाँ पर इंप्रेशन ज़्यादा आता है। जैसे कि हम न्यू यूट्यूबर हैं, वहाँ पर वीडियोस को अपलोड करते हैं तो YouTube हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाता है, ठीक है, बट हम जब पैसे देते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाता है। और वहाँ पर जो क्लिक आएगा तो उसी क्लिक को काउंट नहीं किया जाएगा, बट वहाँ पर आपने जितने पैसे लगाया है जितने दिन के लिए, वो दिन ख़त्म हो जाने के बाद, उसके बाद जो YouTube आपकी वीडियो को जो अपनी खुद से जो रिकमेंड करेगा, बहुत ज़्यादा लोगों को जो सजेशन देगा, क्योंकि वहाँ पर वॉच टाइम ज़्यादा आएगा, वहाँ पर व्यूज़ ज़्यादा आ जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा, बट वहाँ पर शो करेगा आपके जैसे भी वीडियो को आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपका जो जितने सारा व्यूज़ है वहाँ पर काउंट किया जाएगा, बट आपकी जो मोनेटाइजेशन सेक्शन पर वहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो YouTube आपने जो पेड प्रमोशन किया है वो पेड प्रमोशन जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद YouTube आपकी वीडियो को खुद प्रमोट करता है, क्योंकि वहाँ पर पेड प्रमोशन किया गया था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉच टाइम भी आ रहा था, तो YouTube इस चीज़ को समझता है और अपनी खुद से अपनी वीडियो को प्रमोट करता है और उसी से जो वॉच टाइम आएगा, जो व्यूज़ आएगा, जो सब्सक्राइबर आएगा, उसी सब्सक्राइबर व्यूज़ वॉच टाइम को काउंट किया जाएगा और वहाँ से आपका 4000 घंटा का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है एक साल के अंदर, तो आपके चैनल जाएगा रिव्यू पर और आपने सब कुछ अच्छा किया है तो YouTube आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा और वहाँ पर एड्स शो होगा और उसी से आप पैसे जनरेट कर पाओगे। बस यही छोटा सा ही फंडा है जो आपको
बताना चाहता था मैं इस वीडियो के थ्रू। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं समझ गया, नहीं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो कि इसके रिकॉर्डिंग और जो वीडियो आप लोग देखना चाहते हो। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना सी है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वीडियो को आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को किसी लोगों के साथ आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा लोगों को भी पता चले। ठीक है।